आप लोग ये बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, वेट लिस्ट कब आएगी। तो उसका शेड्यूल MPDME ने आज रिलीज़ कर दिया है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन कब होंगे, कितने सीट्स या फिर कितने कॉलेज इस ईयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी लिस्ट कब आएगी, तो ये सारी चीज़ें शो हो रही है। तो बताते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन MP में, वो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके जितने भी वैकेंसीज हैं, मीन्स कितने गवर्नमेंट कॉलेज, कितने प्राइवेट कॉलेज, कितनी सीट्स है, उसकी जो वैकेंसी की जो लिस्ट आती है सारे कॉलेज की, वो 26 से 27 तारीख के बीच आ जाएगी, ठीक है। तो इस डेट पे आपको पता चल जाएगा कि इस बार कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। फिर 1 तारीख को, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड था कि वॉट इज़ स्टेट मेरिट लिस्ट, तो 1 अगस्त को स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी, जिसमें आपकी स्टेट रैंक लिखी होगी, और उस दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बहुत हद तक वेट कर सकते हैं कि स्टेट मेरिट लिस्ट से कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद होती है। फिर चॉइस फिलिंग 2 तारीख से लेकर 4 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद जो रिज़ल्ट है फर्स्ट राउंड का, कि आपको कौन सा कॉलेज मिला और आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हैं, वो 7 अगस्त को उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है, मतलब आपको 7 दिन का समय दिया गया रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद फिर आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो जिसका टाइम भी 8 से लेकर 14 अगस्त तक है। उसके बाद आप सीट लिविंग बॉन्ड के लिए जो भी एप्लीकेबल होता है, वो आप सीट लिविंग बॉन्ड के लिए अपना परफॉर्मा दे सकते हैं, और आप सीट छोड़ सकते हैं फर्स्ट राउंड में, जिसके लिए आपको कोई भी बॉन्ड देना नहीं होगा, जिसकी डेट 8 से 14 अगस्त तक है। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल था।